अध्यक्ष महोदय, आज बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष पद पर श्री महेश्वर हजारी जी निर्वाचित हुए हैं। इसके लिए मैं श्री हजारी जी को बधाई देता हूं और सभी माननीय सदस्यों का मैं अभिनंदन करता हूं। महेश्वर हजारी जी के बारे में आपने संक्षेप में सब कुछ बताया है, लेकिन जनता की सेवा में एक जनप्रतिनिधि के रूप में सदैव सक्रिय रहे हैं और विधानसभा लोकसभा के सदस्य रहे हैं और आज भी बिहार विधानसभा के सदस्य हैं। कई बार मंत्री पद की जिम्मेवारी उन्होंने निभाई, यह सब बात सब लोगों को मालूम है। और आज जो विधानसभा के उपाध्यक्ष का पद उन्हें प्राप्त हुआ है और जो यहां उपस्थित सभी माननीय सदस्यों ने जो समर्थन किया और उसकी संख्या भी आ गई है, बहुत अच्छा हुआ है कि जो भी निर्वाचन हुआ है कितने लोग इनके पक्ष में हैं, खड़ा होकर के लोगों ने कहा। मुख्यमंत्री के नाते ऐसे अवसर पर मुझे भी उपस्थित होना पड़ता है, भले ही बिहार विधानसभा के सदस्य नहीं है, हम बैठ करके ही रहते और बाकी सब जो माननीय बिहार विधानसभा के सदस्य हैं खड़े होकर के उन्होंने जो सहमति दी है अपना, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और 124 लोगों ने, और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी यही के हैं, वो तो अध्यक्ष के पद पर आसीन है इसलिए उनको खड़ा होने की जरूरत नहीं है। और कुछ लोग जो हैं, जो एनडीए के गठबंधन के जितने कुछ माननीय सदस्य हैं, कुछ कारणों से 3 लोगों को बाहर रहना पड़ रहा है, तो उसके चलते जो भी स्थिति हो सबको पता है। बाकी सब लोग यहां पर उपस्थित प्रतिदिन रहते हैं, कोई भी बिना काम के बाहर नहीं जाते हैं, लेकिन अपने पार्टी के लोगों को सूचित करके ही लोग बाहर जाते हैं। तो आज जिस प्रकार से सब लोग उपस्थित हुए हैं जो एनडीए के समर्थन में है, लेकिन ये घोर आश्चर्य का विषय कि आखिरकार जब दूसरे ने भी नॉमिनेशन दायर किया था तो उपस्थित रहना चाहिए था, लेकिन लोगों को मालूम था कि उनको बहुमत तो है नहीं, इसलिए ऐसे ही एक दे दिया नॉमिनेशन, अब बाहर बैठे। अब आप देख लीजिए जो आपका था, हम लोगों की तरफ से यहां पर 4 लोगों ने इनके पक्ष में दिया और एक दूसरे व्यक्ति का नॉमिनेशन हुआ है उसमें देख रहे हैं कि 6 लोगों ने दिया, लेकिन सबके सब कोई यहां उपस्थित नहीं है। तो लोगों को मालूम होगा कि बहुमत कहां है और इस सबको मालूम है, इसलिए आज जो लोगों को जो पक्ष में इनके मत देना था वो सिर्फ हां कहने से नहीं बल्कि खड़ा होकर के लोगों ने जो अपने मत को प्रदर्शित किया है, ये अच्छी बात है, ये साफ बात हो गई। और इस प्रकार से कल भी जिस तरह की घटनाएं थी वो ठीक नहीं, और इन सब चीजों के लिए तो भाई सदन में जिसको बहुमत होता है सरकार उनकी बनती है और वो सरकार बनी हुई है, ये तो बहुमत के आधार पर बनी हुई है, और उसके बाद जो कुछ भी बात होती है लोगों को तो अपनी बात रखनी चाहिए सदन के अंदर। और आप बता दीजिए कितने दिनों से, कल के पहले सब लोग रहते थे तो सारी बात सब ज्यादा कौन बोलते थे और किस किस तरह की बात बोलते थे, माननीय अध्यक्ष महोदय तो सब लोगों को कितनी अनुमति देते थे और सब लोग कितनी बात करते रहते थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, कहां से कोई बात आई। और कल तो जितना देर तक सब कुछ गतिरोध उत्पन्न किया गया और उसके बाद अंतोगत्वा सदन की कार्यवाही चली और यहां से जितने कानून पर विचार होना था विचार हुआ, पारित हुआ। अब उसके बाद आज का दिन था और आज का दिन आज सोच लीजिए, ये तो तय हुआ कि भाई बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष का पद रिक्त है, इसका चुनाव हो जाए, इसके लिए आपने इसके लिए कल ही का डेट नॉमिनेशन के लिए निर्धारित कर दिया परसों, ये सब जिनको करना था कर दिया और आज ही उनका निर्वाचन होना था, आज भी हो गया। और आज के बाद आप बताइए कि आज के दिन क्या है, आज तो माननीय सदस्यों के लिए ही तो है, जो उनके प्रस्ताव है उन्हीं पर तो बात होनी है, लेकिन अब पता नहीं क्या है कैसी मानसिकता है ये लोग जाने, लेकिन जो लोकतंत्र है और जो लोकतंत्र की मर्यादा है और जिसके लिए विधानसभा हो, लोकसभा हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा हो और इसके लिए जो नियम बने हुए हैं
उसके मुताबिक और सब लोगों की भागीदारी ठीक ढंग से होनी चाहिए, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन कुछ लोगों को तो पता नहीं क्या होता कि पूरे सेशन में तो चलता रहा लेकिन अंत तो गत्वा फिर क्या मन में आया है, क्या बात हुई है, तो हम लोग को क्या मतलब उससे। लेकिन एक एक चीज के बारे में हम लोग स्पष्टता के साथ, और सरकार की तरफ से कोई ऐसी चीज नहीं है, हमारे कोई भी माननीय मंत्रीगण नहीं है जो पूरी बात को रखते नहीं, और सबको अधिकार है, और प्रश्नकाल के लिए तो सबको अधिकार है। हम तो अपने गठबंधन के मीटिंग में भी हमेशा कहते हैं कि हर माननीय सदस्य को अधिकार है, ये उनका अधिकार है, प्रश्न करें, उनको पूछने का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है। इसका कोई रिश्ता सरकार से नहीं और कोई सरकारी जब संगठन में है उससे नहीं है। तो सब लोग पूछते हैं, एक एक बात पूछते हैं, चाहे पक्ष के हो या विपक्ष के हो, सबको ये अधिकार है, और आप बहुत अच्छे ढंग से इसका संचालन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जिस तरह से कुछ लोगों के मन में क्या बात आती है, कौन ऐसे लोगों के एडवाइजर हैं, क्या कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है, इससे लोग अपना समय ही बर्बाद कर रहे हैं। जो उनको अधिकार मिला हुआ है अपने अधिकार का सही ढंग से उपयोग नहीं कर रहे हैं। और कोई भी चीज है, कानून बनता है तो कानून पर सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, और सदन को अधिकार है उसके बारे में कोई निर्णय ले। तो सब तरह से पूरी कार्यवाही की गई, बजट भी पारित हुआ है, हर तरह की कार्यवाही, और पूरा जैसे पहले से हम लोग करते रहे बजट सत्र का, उसी तरह से लंबे अवधि में कार्यकाल में आपने सब लोगों से बातचीत करके निर्णय लिया, और ये 19 तारीख से चल करके, पिछले महीने की 19 तारीख से चल करके आज 24 तारीख का दूसरे महीने का, यहां तक फरवरी से लेकर के मार्च तक में ये चला है, और आज अंतिम दिन है। तो आज आपके द्वारा जो आज का दिन निर्धारित किया गया विधानसभा के उपाध्यक्ष पद के लिए, वो हो गया, और मैं उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हो गए हमारे माननीय महेश्वर हजारी जी, उनको मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं, और हम सब लोगों को पूरा भरोसा है कि जब भी उनको यहां के स्तर पर जो भी कार्य बहुत अच्छे ढंग से सदन के सभी माननीय सदस्यों का सम्मान करते हुए, जब भी अध्यक्ष महोदय आपको इस आसन पर काम करने का जब मौका मिलेगा तो उस समय जरूर बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। हर चीज का और एक पुराना अनुभव है, हर चीज को जानते हैं, एक एमएलए के रूप में, एक मिनिस्टर के रूप में काम किया है, इसलिए किसी तरह की कठिनाई नहीं होगी, और सब लोगों ने अपनी इच्छा आपके पक्ष में प्रकट की है, ये सब लोग बधाई के पात्र हैं। इसलिए मैं सब लोगों को धन्यवाद देते हुए और पुनः भाई महेश्वर हजारी जी को विशेष तौर पर मैं उनका अभिनंदन करता हूं, और एक महत्वपूर्ण पद का वो संचालन करेंगे, इसके लिए मैं उनको विशेष तौर पर बधाई देता हूं, और अपनी बात समाप्त करता हूं।